नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पूरे देश भर में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों पर पुलिस की दबिश जारी है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में भी कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। नीमच में भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मनासा से 3 लोग और नीमच से 1 शख्स को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश के कई राज्यों में पीएफआई संगठन पर कार्रवाई की गई। संगठन के कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बात की जाए नीमच की तो यहां पर पुलिस के द्वारा 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें संगठन के पदाधिकारी तथा सदस्य हैं। इनसे पूछताछ लगातार जारी है। नीमच एसपी सुंदर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को पकड़ा गया है। देखिए, इसी कड़ी में नीमच में भी पीएफआई के कुछ सदस्य हैं, कुछ पदाधिकारी हैं। उसी के तारतम्य में जो है मनासा से 3 लोगों को और 1 नीमच से, ऐसे कुल 4 लोगों को पूछताछ हेतु थाने में बुलाया गया है, और जो कि पीएफआई के सदस्य हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ के बाद जैसा भी होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या प्राथमिक तौर से कुछ जानकारी मिल पाई है सर? अभी जैसा कि मैंने बताया, अभी उनको बुलाया गया है और उनसे जो जो जानकारी हासिल करना है वो हमारी पुलिस की टीम उनसे बातचीत करके, पूछताछ करके उनसे जानकारी प्राप्त कर रही है। सर, कितने लोगों को पूछताछ लिया गया है? अभी सिर्फ 4 लोगों को लाया, जैसा कि मैंने बताया 3 लोग मनासा के हैं और 1 नीमच का है। सर, इसमें जो ATS और क्या इनकी भी भूमिका रही है और किस तरह की जानकारी थी? देखिए, इसमें ओवरऑल सभी सूचना के आधार पर जो जो सदस्य हैं और उस आधार पर जो है जो सदस्य हैं और कुछ पदाधिकारी भी हैं, तो उन लोगों से पूछताछ की जाए। इंटेलिजेंस द्वारा किस तरह की जानकारी मिलती है? क्या एक संलिप्त हैं, क्योंकि सिमी जैसे संगठन भी सक्रिय नीमच में रहा है? नहीं, जैसा कि आपने बताया ना, जैसा मैंने अभी बताया कि जो है वो पीएफआई के सदस्य हैं, पीएफआई के कुछ पदों पर पदस्थ हैं, तो उसी आधार पर उनको थाने पर बुलाया गया है और अभी हमारी टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है।